मेरा नाम प्रिया सिंह है और हाँ इस गाने के बारे में ये काफ़ी स्पेशल सॉन्ग है इस फिल्म का बिकॉज ये सर ने लिखा हुआ है, इनकी पहली लिरिक्स है ये गाने की और इस गाने का नाम है चाशनी सी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट और बहुत लकी हूँ कि मुझे सर ने चांस दिया इस गाने में परफॉर्म करने का और इस ब्यूटीफुल फिल्म का पार्ट बनाने का। और ऑफकोर्स उससे भी बड़ी बात जीत गांगुली सर ने कंपोज़ किया हुआ है, तो आई एम रियली वेरी लकी दैट आई एम इन दिस सॉन्ग एंड इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म। और मेरे हिंदी सिनेमा के करियर की स्टार्टिंग एक इतने अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग से शुरुआत हो रही है और डेफिनेटली मैं इनके नेक्स्ट फिल्म में हूँ। सो हाँ मैं उसमें गाने में नहीं, उसमें पूरी पिक्चर में हूँ मैं, तो वो आप जल्दी आपको पता चलेगा उस फिल्म के बारे में। और बस हाँ इसमें तो मैं बताया आपको जैसा कि मेरी जो अगली फिल्म है जिसका अभी मैं 6-7 दिन में आप लोगों से मिलने वाला हूँ, उसका पोस्टर लॉन्च है अभी, वो अभी मैं शूट करके आया हूँ धर्मशाला में मनाली में। तो वो उस फिल्म के लिए हम एक्चुअली एक लड़की देख रहे थे, तक ये गाने का शूट था। तो हमें एक्चुअली ये था कि ये फिल्म कानपुर में बेस्ड है, तो बहुत ही नॉन ग्लैमरस सिंपल गुड लुकिंग ब्रीफ ऐसा था कि कोई जो काजोल जैसी दिखती हो, सिंपल हो, बहुत सुंदर हॉट वॉट नहीं चाहिए, अच्छी अदाकारा हो, स्क्रीन पर बहुत सिंपल लगे, वो जो आजकल टिपिकल वो म्यूज़िक एल्बम में लड़कियाँ आती हैं 5 फीट 11 10 वाली, वो सब नहीं चाहिए। तो उसमें काफ़ी ऑडिशन वगैरह किए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है आशुतोष और बहुत लोगों ने, तो उसमें से 2-3 चेहरे आए, उसमें से ये अभी जब इनका मैं इसलिए मैं वहाँ जानबूझ के नहीं बोला इतना, क्योंकि अभी 6-7 दिन में इनका आप देखेंगे उस फिल्म में लोग। और ये आई थिंक अगर इस पिक्चर में तारा ने बहुत सरप्राइज़ किया है तो उस फिल्म में आपके लिए प्रिया बहुत सरप्राइज़ आपको करेंगी। और एक चीज़ मैं बहुत कहता हूँ, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बहुत एक जिम्मेदार निर्देशक होने के नाते से, कि नई लड़कियों को आना फिल्मों में और उनको यहाँ तक पहुँचना बिना बैकग्राउंड के, जैसे मैं आया हूँ बिना बैकग्राउंड के एज ए डायरेक्टर, वो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। तो तारा जैसे मेहनती ईमानदार लोग और ये प्रिया जैसे, वी आर रियली लकी कि ये लोग आ रहे हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं आने वालों सालों में, क्योंकि इन लोग का जो काम के लिए जैसा बताया कमिटमेंट है और दिन में 16 घंटे काम करना, कोई नखरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो दे विल डू रियली वेल इन लाइफ। एंड इनको यंग लड़के लड़कियां मैं कहता रहता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस गाने में भी, जो अभी आपने पूरा नहीं देखा है, और उस फिल्म के टीज़र में भी यंग लड़के अपना रूम में वो भाग्यश्री टाइपिंग की फ़ोटो लगा के रखेंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।